बुलंदशहर में जहांगीराबाद के जनता पॉलिटेक्निक कॉलेज में दो छात्रों ने परीक्षा परिणाम में बैक आने पर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साई छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन व प्रधानाचार्य पर परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी कराने और प्रैक्टिकल में अवैध वसूली का आरोप लगाया और कॉलेज परिसर में हंगामा किया। बता दें कि मृतक छात्र बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला था और परीक्षा परिणाम में बैक आने पर डिप्रेशन के चलते जहर खा लिया। वहीं सियाना के रहने वाले छात्र कुलदीप सिंह ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। छात्र की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। ये सर 20 तारीख को भी रिजल्ट आया है बच्चों का, और रिजल्ट आने के बाद बच्चों ने अपना रिजल्ट देखा है, जिसमें मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए। तो मैडम क्या संशोधन निकाला जा रहा है इसका? संशोधन के लिए मैंने प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ में बात की है और वहाँ पर कहा है कि हम इस चीज़ का पुनः निरीक्षण करवाएंगे। अच्छा, एक जो बच्चे अभी कैजुअल्टी हुई है कि एक्सपायर भी हो गया है बच्चा, और उसका आरोप ये है कि उसने उसका परीक्षा फल फेल होने के कारण हुआ है और वो आरोप भी लगा रहा है स्कूल पर, उसमें क्या कहेंगे आप? ये तो गलत आरोप छात्र लगा रहा है, क्योंकि संस्था में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है, ये सिर्फ उसने अपने घर पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।